हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम डेली वोकैब वर्ड्स करने जा रहे हैं 22 जनवरी के लिए। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी और जो वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आप उनको डेली देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वर्ड्स आपको धीरे धीरे लर्न होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। सीडीएस के रिगार्डिंग मैंने वहां पे क्रैश कोर्स है अभी डाला है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर सीडीएस 2019, क्योंकि उसमें हम हर एक इंग्लिश का जो टॉपिक पेपर में आने वाला है उसको कवर कर रहे हैं। इसी के साथ आज के जो हमारे वोकैब वर्ड्स की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले हमारा वोकैब वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट का मीनिंग आप सबको पता होगा, वकील। मीनिंग टू डिफेंड और टू प्रमोट समथिंग, किसी को बचाना, डिफेंड करना, तो दैट इज द एडवोकेट। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, बेकर एंड डिफेंडर, और इसके एंटोनिम्स हैं ओपोनेंट एंड प्रोटेस्टर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, Environmental protesters often advocate for cleaner energy practices. तो जो environment protectors हैं वो हमेशा defend करते हैं किसके लिए, cleaner energy practices के लिए, हमेशा वो promote करते हैं उस चीज को। Next word की तरफ चलते हैं। Next word है हमारा agitate, उत्तेजित करना, और इसका meaning है to promote something। Synonym है इसका disturb और beat, और एंटोनिम है काम और सूत। जैसे हम किसी को एग्रीगेट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, या कई बार हम उस चीज को उत्तेजना में ले आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीटेट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, दे आर एग्रीटेटिंग फॉर बेटर हेल्थ केयर। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बेटर हेल्थ केयर के लिए जो है उत्तेजित हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है अनुरूप। मीनिंग क्या है, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, कि उनकी आइडेंटिटी सेम ना हो लेकिन वैसे वो सिमिलर हो। जैसे कि इसके सिनोनिम्स देखते हैं, एकिन और अलाइक, एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं, अनलाइक और एलियन। एग्जाम्पल है इसकी, ग्रीन ऑनियंस आर कंसिडर्ड एनालोगस टू स्प्रिंग ऑनियन। तो ये क्या हो गए, एनालोगस मतलब अनुरूप, कि सिमिलर हो बट आइडेंटिकल ना हो, तो दैट इज कॉल्ड द एनालोगस। अलाइक और इसका ऑपोजिट है अनलाइक और एलियन। नेक्स्ट है जो हमारा फोर्थ, बिटर स्वीट, मीठापन जिसके अंत में कटुता हो। कुछ ऐसा हम जो इसको एग्जांपल से समझाते हैं कि कुछ चीज ऐसी जिसको खाने पे तो हमें मीठा लगे लेकिन बाद में वो बिल्कुल ही कड़वी हो जाए। मीनिंग टिंक्ड विद द फीलिंग ऑफ सैडनेस। सिनोनिम क्या हो गया, टिंगरीन, और एंटोनिम इसका ऑपोजिट क्या हो गया, ऑब्वियस है हैप्पीनेस, और उसमें क्या था कि कड़वाहट आ जाए। एग्जाम्पल क्या है, द एंडिंग ऑफ द रोमांस मूवी वॉज बिटर स्वीट, कि जो एंडिंग थी दैट वॉज बिटर स्वीट, कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मतलब अंत में जो है कटुरता आ जाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ब्रॉल। ब्रॉल का मीनिंग होता है विवाद। मीनिंग है एन इंटेंस लाउड फाइट, किसी विवाद में फंस जाना, किसी फाइट में आ जाना, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉल। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, अप्रोर और क्लैश, और इसके एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं, काम और पीस। एग्जाम्पल क्या है इसका, अ ब्रॉल ब्रोक आउट एट स्कूल टूडे आफ्टर वन स्टूडेंट एक्यूज्ड अनदर ऑफ चीटिंग। तो विवाद खड़ा हो गया चीटिंग के लिए स्कूल में, तो इट मीन्स कि ब्रॉल क्या होता है, विवाद। नेक्स्ट है वर्ड सिविक। सिविक का मीनिंग होता है नागरिक, अ रिलेटिंग टू द सिटी और सिटीजन, तो किसी सिटी या सिटीजन से जो रिलेटेड होता है दैट इज कॉल्ड सिविक। और इसके सिनोनिम क्या है, लोकल एंड पब्लिक, और इसके एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड है ट्राइबल। एग्जाम्पल क्या है इसकी, वोटिंग इज अ सिविक ड्यूटी, तो वोटिंग क्या है, हमारी सिविक ड्यूटी है, तो सिविक का मीनिंग क्या हो गया, नागरिक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेक्री। डेक्री का मीनिंग है हुक्मनामा।
इसका मीनिंग देखते हैं। टू डिक्लेयर फॉर्मली एंड विद अथॉरिटी, हम कुछ फॉर्मली बहुत ही जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो फॉर्मली जो है उनको डिक्लेयर करते हैं। तो दैट थिंग इज कि उसको फॉर्मली डिक्लेयर करना हुक्मनामा डिक्री। सिनोनिम्स है डायरेक्टिव और एडिक्ट, और इसके एंटोनिम है लोलेसनेस, कि हमने ऐसे ही कुछ भी बिना लो के वो कर देना, तो दैट इज लोलेसनेस, कि जिसमें कोई रूल रेगुलेशन ना बना हो, कोई चीज क्लियर ना हो, तो दैट इज कॉल्ड द लोलेसनेस। और डिक्री क्या होता है, जिसमें हर एक चीज पर्टिकुलर हो। इसके एग्जाम्पल क्या है, द प्रेजिडेंट डिक्रीड दैट हेलोइन वुड हेंसफोर्थ बी अ नेशनल हॉलीडे। ये क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस होता है संदिग्ध, जिसका मीनिंग क्या है, डाउटफुल और क्वेश्चनेबल, जो कि बिल्कुल डाउटफुल हो, जिसमें हमें डाउट हो या जिसमें क्वेश्चंस हो, तो दैट इज कॉल्ड द ड्यूबियस। सिनोनिम है इसका आर्ग्यूएबल और हेजिटेंट। ऑब्वियस है जिसपे आर्ग्यू हो, तो दैट इज डाउटफुल, ड्यूबियस। एंटोनिम और ऑपोजिट है ऑनेस्ट और सर्टेन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन्स क्लेम टू द थ्रोन वर ड्यूबियस सिंस नोबडी न्यू वेयर ही हैड कम फ्रॉम। कि जो मैन का क्लेम था टू द थ्रोन वर ड्यूबियस, कि वो संदिग्ध था, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो कहां से आ गया। दैट मीन्स कि ड्यूबियस क्या हो गया, संदिग्ध, डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है इम्पार्ट, मतलब कि प्रदान करना। मीनिंग क्या है, टू ट्रांसमिट, बेस्टो और डिस्क्लोज। इसका सिनोनिम क्या हो गया, इम्पोज करना, बेस्टो करना, कोई चीज प्रदान करना, इम्पोर्ट करना, टू ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिट करना, तो दैट इज कॉल्ड इम्पार्ट। एंटोनिम इसका क्या हो गया, कीप और विदहोल्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, पेरेंट्स मस्ट इम्पार्ट कॉमन सेंस टू देयर चिल्ड्रन। कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने जो बच्चे हैं उनको जो है कॉमन सेंस जो है प्रदान करनी चाहिए। आज का लास्ट वर्ड है हमारा इन्फर। इन्फर का मीनिंग होता है अनुमान करना, टू गेस, कंक्लूड और डिराइव बाय रीजनिंग। सिनोनिम हो गया इसका एज्यूम और कंसिडर। तो अनुमान करना क्या हो गया कि गेस करना। जब भी अब आप गेस बोलोगे तो आप याद रखना कि इन्फर होता है अनुमान करना, गेस करना। सिनोनिम है एज्यूम और कंसिडर, और इसके एंटोनिम है निग्लेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस quotation दैट द राइटर didn't केयर फ्रॉम pretty लैंग्वेज। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द इन्फर। सभी की रिवीजन करते हैं एक बार। सबसे पहले था एडवोकेट, जिसका मीनिंग होता है वकील, टू डिफेंड। नेक्स्ट था एगिटेट, टू प्रमोट समथिंग, डिस्टर्ब्ड करना, बीट करना, कि किसी चीज के लिए उत्सुक हो जाना। एनालोगस, अनुरूप, जो कि सिमिलर हो दूसरे के साथ। अलाइक, अकिन। बिटर स्वीट, मीठापन जिसके अंत में कड़वाहट हो, मतलब एंड में जाके वो बिल्कुल ही कड़वा हो जाए। ब्रॉल, ब्रॉल का मीनिंग होता है विवाद, फाइट, इंटेंस, तो ये क्या हो गया, ब्रॉल। सिविक होता है नागरिक, रिलेटिंग टू द सिटी और सिटीजंस। डेक्री, डेक्री होता है हुक्मनामा, टू डिक्लेयर फॉर्मली एंड विद अथॉरिटी, कोई भी चीज फॉर्मली डिक्लेयर करना एक फॉर्मल वे में, बहुत ही अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस के साथ, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो उसके साथ, तो दैट इज कॉल्ड डिक्री। ड्यूबियस, जिसमें संदिग्ध हो, जिसमें डाउट हो, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूबियस। इम्पार्ट होता है कोई चीज इम्पोज करना, टू ट्रांसमिट करना, प्रदान करना, ठीक है, जैसे पेरेंट्स जो है चिल्ड्रन को कॉमन सेंस क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं। इन्फर, इन्फर का मीनिंग होता है अनुमान करना, किसी चीज के बारे में गेस करना, कंक्लूड करना, तो एज्यूम करना, दैट इज कॉल्ड द इन्फर। इसी के साथ आज के वोकैबुलरी हमारे खत्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।